जम्मू काश्मीरमध्ये प्रजासत्ताक दिनी पुण्यातील 18 वर्ष तरुणी आत्मघातकी हल्ला करू शकते असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला. काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक मुनीर खान यांनी पत्रक काढल्यानंतर सर्वत्र हाय अलर्टचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र माझ्या भूतकाळावरून भविष्य खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं आरोपी सादिया शेख हिनं सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. जम्मू काश्मीरमध्ये प्रजासत्ताक दिनी पुण्यातील 18 वर्षीय तरुणी आत्मघाती बॉम्ब हल्ला करू शकते असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त करत काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक मुनीर खान यांनी पत्रक काढल्यानंतर सर्वत्र हाय अलर्टचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र तपासाअंती ती निर्दोष सिद्ध झाली आहे. 2 वर्षापूर्वी 12वीत असताना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी ISIS संघटनेबाबत काही कमेंट मेसेज केले होते. त्यावरून दहशतवाद विरोधी संघटनेनं मौलवींच्या मदतीनं डिरॅडिकलाइज केल्यानं मी त्यातून संपूर्णपणे बाहेर पडले. मात्र माझ्या भूतकाळावरून भविष्य खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सादिया शेख हिनं सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलाय. I got influenced by ISIS ideology and I was just in online contact with some people in some groups and based on that I was too much active on Facebook, so that's why ATS came to me. They questioned me about the contacts and everything, and after that they left me. They they arranged some de-radicalization sessions for me, calling a local Maulana from there, and they were successful at it and things got like, you know, clear after that. After that everything was clear. Like within a month or something, they called me for investigation for 3 days and after that everything was fine. I continued my college, us waqt mera 12th tha, and I got back to studies. I was studying science, pre-medical, that's all. 2015 का मैटर ऐसा कुछ था नहीं दैट आई वाज गोना डू समथिंग. और इवन पहले जब वो पंकज, सुनिए पंकज जी जिस दिन मेरे घर आए थे कि मैडम आपकी बेटी के बारे में ऐसे ऐसा न्यूज़ है, आप क्या अपनी बेटी को बचाना नहीं चाहती हो क्या, वो आपकी बेटी कहाँ है? मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी जहाँ भी है सुरक्षित है, मैं जानती हूँ वो इस वक्त में कहाँ है. बट इतना है कि हम लोगों का उस दिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने मीडिया में ये कहा कि मेरी बेटी यहाँ से गई है ये मैं जानती हूँ, बट वहाँ से आगे कहाँ ये मैं नहीं जानती हूँ. क्योंकि जब तक हम लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसको पुलिस के पास है ये इन्वेस्टिगेशन में है ये कहाँ है, मैं खुद कंफ्यूज थी उस वक्त में कि बच्ची का हो क्या रहा है. हम लोगों ने काफ़ी ट्राई भी किया यहाँ से श्रीनगर जाने का, बट हम लोगों को फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी. 27 को हम लोगों ने फ्लाइट बुक किया और श्रीनगर गए. जब वहाँ जाकर पता चला तो ये बच्ची के बारे में जो कुछ भी प्रीवियस था, मेरा तो यही मानना है, सुनिए मेरा तो यही मानना है कि प्रीवियस जो इसका पास्ट है इसको लेकर किसी ने फ्यूचर पे इसके इफेक्ट किया है. क्योंकि इसने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स लोगों को भेजा है. ये मैंने इनसे भी कहा है, पंकज जी से भी कहा है ये बात. और जब ATS ने हम लोगों को पूरा देख लिया, हम लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, उसके बाद हम लोगों के बारे में कुछ ऐसा था ही नहीं ना. वो बात 2015 की वहीं ख़त्म हो चुकी थी. अब 2015 को लेकर अब इस मैटर को उछालना, ये मुझे नहीं लगता कि सही है. जम्मू काश्मीर मध्ये नर्सिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी आईसोबत 16 जानेवारी रोजी पुण्यातून विमानानं मी श्रीनगरला गेले. एक दिवस आधी त्या ठिकाणच्या मैत्रिणीला मी येत असल्याची कल्पना दिली होती, त्यानुसार महाविद्यालयात प्रवेश होईपर्यंत मैत्रिणीकडेच थांबले. 25 जानेवारीला एका वृत्तपत्रात सादिया शेख ही पुण्यातील तरुणी आत्मघाती हल्ला करणार असल्याची बातमी मी वाचली आणि मला धक्काच बसला. याबाबत आईला फोन करून मी विचारणा केली. या दरम्यान पुणे पोलिसांनी माझ्या कुटुंबियांशी संपर्क साधून सादिया कुठे आहे अशी विचारणा केली, तसेच तिला व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर बोलण्यास सांगा अथवा तिला पुण्यात येण्यास सांगा असा निरोप दिला. आपका आंसर देती हूँ की जिस वक्त में ATS और ANI ये हम लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती थी, इसके बारे में एक एक चीज मैं उनको बताती थी कि ये कौन सी कॉलेज में है, कहाँ जॉब कर रही है, सब कुछ बताती थी. ATS और ANI की मैडम इसके जब कॉलेज में गए, हम लोगों का विश्वास खत्म हो चुका. ओके, जिस वक्त में ये न्यूज़ आई कि ये सुसाइड बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्बर है, वहाँ गई है सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए, हम लोग सरप्राइज हो गए. और मुझसे लाख पूछने के बावजूद कि ये बच्ची कहाँ है, मैंने उनको नहीं बताया. ये रियल फैक्ट है. क्यों? कि मुझे पता था कि मेरी बच्ची अपना फ्यूचर बनाना चाहती है. लास्ट टाइम की तरह इस टाइम पर भी
ये सिचुएशन ना आए इसलिए मैंने अपनी बच्ची का नाम नहीं बताया कि वो कहाँ है। सेकेंड थिंग, जब कमिश्नर ऑफिस में ये बात पता चली है कि ये बच्ची को वहाँ पर अरेस्ट किया है या वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उनका भी काम था हमको रियल जो फैक्ट है कि ये बच्ची को वहाँ पर आके पकड़ा गया है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बारे में हमको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही हो रहा है। जो भी है अभी इस वक्त जो हुआ लाइक विद इन द पास्ट फ्यू डेज, वो मेरे पास्ट का इफेक्ट मेरे फ्यूचर पे और मेरे प्रेजेंट पे था, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लुक बैक टू माई पास्ट। एंड अभी का जो फ्यूचर और प्रेजेंट है हम उसकी बात करते हैं। आपको प्रेजेंट के जो सवाल करने हैं वो सवाल कीजिए, आप वो मैं आंसर करूंगी, पास्ट के मत कीजिए। यापुढे काय करायचं याबाबत मी आईसोबत बोलून ठरवत होते। दरम्यान जम्मू आणि पुणे पोलिसांच्या चौकशीत मी निर्दोष ठरले आहे, मात्र तरी देखील माझी बदनामी झाली आहे। भूतकाळावरून माझं भविष्य खराब करण्याचा प्रयत्न करू नये असं आवाहनही तिनं केलंय। दिल्ली से पुणे इन द सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस एजेंसीज और सी, जो भी क्वेश्चन सुनके थे जो उनको पूछने थे आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम एंड एवरीथिंग इज क्लियर। एंड एक चीज जो है वो नोट कर लेना, आई वॉजेंट कॉट और अरेस्टेड, आई माई सेल्फ वेंट टू द पुलिस। उन्होंने मुझे मेरे घर से मेरे हॉस्टल से अरेस्ट नहीं किया है, आई माई सेल्फ वॉक टूवर्ड्स देम। तो उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने पूछे एंड जो भी एजेंसीज थी दे केम टू कश्मीर टू इन्वेस्टिगेट द केस। एंड उसके बाद में यहाँ किसी ने अब तक फिलहाल कॉन्टैक्ट किया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे।